आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं मुक्त हो गया हूं। एक विचित्र दिव्य संतोष है मेरे मन में। मेरा मन ऐसे जलता था जैसे तप मरुस्थल, और यह ताप शीतल तप हुआ जब मुझे श्री राम के दर्शन हुए, और उसके सैकड़ों वर्षों के बाद मेरे शिष्य गंगा पुत्र भीष्म के चक्रवात ने उसे फिर से जगा दिया। कर्ण स्वयं से युद्ध करके कभी कोई विजयी हुआ है? अंततः पितामह भीष्म को भी आशीर्वाद देना पड़ा, और अनुभव हुआ कि आक्रोश उस शक्ति के कारण जो मुझ में है, और मैंने शपथ लिया कि अब मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। मैंने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र अपने शिष्य द्रोण को भेंट कर दिए, किंतु फिर भी थोड़ा आक्रोश भीतर रह गया। फिर तुम आए कर्ण, क्षत्रियों के तेज से युक्त ब्राह्मण कुमार। संसार में यदि तुम्हारी तुलना किसी से की जा सकती है तो वो स्वयं परशुराम से की जा सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने आप को समर्पित कर दिया, और आज तुम्हें अपने सभी दिव्यास्त्र प्रदान करके मन बहुत हल्का हो गया। चिरायु भव ब्राह्मण कुमार, तुम मेरा नाम तीनों लोकों में अमर करोगे। गुरुवर, भाग्य को तो कुछ निवेदन करो। आप संसार के सबसे महान और घातक योद्धा बने, परंतु अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से। आपका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, उसके पश्चात भी आप किसी भी क्षत्रिय से सबसे महान योद्धा सिद्ध हुए। अपने जन्म से नहीं ना, अपने कर्म से ही ना गुरुदेव, तो जन्म और कर्म की ये नीति सबके लिए होनी चाहिए ना। मैं आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आप क्षमा करना गुरुवर, अपने राधे को क्षमा करना। वर्षों बाद गुरुवर संतोष की निद्रा में है, उनकी निद्रा भंग हो जाएगी, मैं उनके विश्राम को भंग नहीं होने दे सकता।
ये रक्त कहां से रिस रहा है? राधे, इतने डंक से तुमने, तुम इस कीड़े को यहां से हटा भी सकते थे, इसे मृत्यु का द्वार भी दिखा सकते थे। अपने गुरु के विश्राम के लिए ये राधे कितना भी रक्त बहा सकता है, कितनी भी पीड़ा सह सकता है गुरुदेव। अपने गुरु की निद्रा के लिए इतना बड़ा त्याग, अपने प्राणों की भी चिंता किए बिना इतना विष सहा तुमने, तुमने मुझे महाक्षत्रिय राजा शिवी का स्मरण करा दिया, जिसने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काटा। क्षत्रिय, कौन हो तुम राधे, कौन हो? कौन हो तुम राधे? मैं राधे आपका शिष्य कर्ण। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है कर्ण। मनुष्य अपने कर्म से बल और सिद्धि अर्जित करता है, परंतु जन्म और कुल से संचित संस्कार और गुण उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। अपने गुरु की निद्रा के लिए इतनी असहाय पीड़ा सही तुमने? नहीं कर्ण, नहीं, ये एक ब्राह्मण कुल के बालक के लक्षण नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते। जब तुम मुझसे दीक्षा लेने आए थे, तब भी मैंने तुमसे यही प्रश्न पूछा था, और आज दीक्षा के समय भी मैं तुमसे यही प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या तुम ब्राह्मण पुत्र हो? क्या तुम ब्राह्मण पुत्र हो? नहीं गुरुदेव। मैं एक सूत पुत्र हूं। राधे करण, अधिरथ का पुत्र करण। छल पाखंड असत्य, अपने गुरु से मैंने तुम्हें सच्चे मन से शिक्षा दी, और तुमने अपने गुरु के साथ झूठ बोला, अपने गुरु के साथ छलारा। क्योंकि मुझे शस्त्र बल चाहिए था गुरुदेव, क्योंकि अपना परिचय छिपाने के छल के अतिरिक्त मेरे पास और कोई हल नहीं था, क्योंकि कोई भी गुरु एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या नहीं देना चाहता था, और आप भी ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं देते। गुरुवर, आपके अधीन वर्षों शिक्षा ली मैंने, आप ही बताइए कि क्या इस कारण ने आपकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन किया? क्या ये अधिरथ पुत्र अपने गुरु की किसी भी परीक्षा में असफल हुआ? सफल हो या असफल, छल छल होता है कर्ण, और तुमने शिक्षा ग्रहण नहीं की, चोरी की है तुमने, तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा। तुमने मेरे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से झूठ बोलने का महापाप किया है। रोग है तुम पर,
अब तुम अपने गुरु से श्राप भी लेते जाओ। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। इस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे। ये मेरा श्राप है। अपने गुरु से छल करने के पश्चात तुम अपने गुरु से दृष्टि मिलाने का साहस कर रहे हो। चले जाओ यहां से कर्ण, चले जाओ। इस श्राप के बाद ये पवित्र भूमि भी अभिशापित और अपवित्र हो गई है। जाओ। यदि ऐसा है तो ये स्थान तभी पवित्र हो गया था जब मैंने पांव रखे। श्राप आपने मुझे आज दिया, परंतु अभिशापित तो मैं जन्म से ही रहा हूं। मुझे कोई खेद नहीं कि मेरा जन्म एक सूत कुल में हुआ है। मुझे कोई खेद नहीं कि मुझमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों का रक्त नहीं बहता। खेद है तो केवल इस बात का कि मेरा जन्म ऐसे स्थान पर क्यों हुआ जहां जीवन को ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दास माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य की महानता और सफलता उसके गुण उसकी मेधा से मापी जाती है। फिर क्यों किसी के जीवन पर उसके जन्म जाति और कुल की छाप लगा दी जाती है गुरुदेव?